हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए वर्ल्ड नीट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है वो दो तरीके से करता था। एक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग मेनली बात किए थे बाइनरी फ्यूजन के बारे में और एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में, और इसके अलावा अदर मेथड्स भी होते हैं जिसके द्वारा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं। देन उसके बाद हम लोग बात किए बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन, जिसको पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे थ्री टाइप्स का पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहला था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था कंजुगेशन और तीसरा था ट्रांसडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजुगेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन 1928 में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, जबकि उसको एक्सप्लेन करने का काम 1944 में किया था ओटी एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी किया था, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में। बैक्टीरियल कंजुगेशन में बात करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स को, पहले हम लोग जान लेते हैं उसके बाद बैक्टीरियल कंजुगेशन देखेंगे, राइट। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक सपोज कर लिए, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है और इसके पास ये अपना क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके पास ये है प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है? तो इस प्लाज्मिड का नाम, ऑफ कोर्स ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। हम लोग देखे थे वहाँ पे जब टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का बात किए थे, याद होगा टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का हम लोग बात किए थे, तो उसमें देखे थे एक क्या था, मेन जीनोम था, और वहाँ पे देखे थे एक ऐसा जीनोम था जो किससे अटैच था, मेन जीनोम से अटैच था, दैट वाज एपिसोम, और एक जीनोम था जो एक्स्ट्रा था ये जिसको प्लाज्मिड कहे थे, और एक और था जिसको हम लोग एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, या फिर इसको सिक्स फैक्टर भी नाम दिए थे, इसको हम लोग सिक्स फैक्टर भी नाम दिए थे। हम लोग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में पढ़े थे इसके बारे में, सिक्स फैक्टर या फिर इसको हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बैक्टीरियल टिपिकल स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे कि जो भी एक्स्ट्रा जीनोम होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, जिसमें हम लोग सिक्स फैक्टर के बारे में देखे, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर, और ऐसा प्लाज्मिड था जो मेन जीनोम से अटैच था उसको हम लोग एपिसोम कहे थे, और जो एक्स्ट्रा था जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी था, ड्रग रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी था, दे आर द ऑफकोर्स प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, तो वैसा बैक्टीरिया जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर हो उसको हम लोग कहते हैं मेल बैक्टीरिया, ओके, क्या कहते हैं, मेल बैक्टीरिया, या फिर इसको हम लोग डोनर बैक्टीरिया भी कहते हैं, डोनर बैक्टीरिया, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एफ प्लस बैक्टीरिया। एफ प्लस बैक्टीरिया दैट मीन्स कि एफ प्लस मतलब क्या, इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसके पास क्या है कि इसका अपना तो मेन जीनोम है, लेकिन इसके पास ये जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो नहीं होता है, इसके पास जो प्लाज्मिड है वो क्या होता है, इससे अटैच है, तो इसके पास ये क्या है, एपिसोम है, क्या है, एपिसोम है, राइट। तो अगर इसके पास एपिसोम है इस बैक्टीरिया के पास, तो इस बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं HFR, क्या नाम देते हैं, HFR बैक्टीरिया, ये भी डोनर बैक्टीरिया कहलाता है, डोनर बैक्टीरिया, HFR बैक्टीरिया और डोनर बैक्टीरिया, इसके पास क्या है, एपिसोम है। एपिसोम क्या होता है, मेन जीनोम से अटैच होता है, वैसा प्लाज्मिड जो मेन जीनोम से अटैच होता है उसको एपिसोम कहते हैं। अगर मेन जीनोम से फ्री है ना, तो उसको हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर कहते हैं या सिक्स फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और HFR जो क्या हो, अटैच हो इससे मेन जीनोम से, HFR हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया कहलाता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है, सिर्फ इसके पास अपना मेन जीनोम है, इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं फीमेल बैक्टीरिया,
क्या कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया को, फीमेल बैक्टीरिया, या फिर हम लोग इसको कहेंगे रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कह सकते हैं इसको, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एफ माइनस बैक्टीरिया, एफ माइनस बैक्टीरिया, राइट। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया मेल बैक्टीरिया जिसके पास क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर है, ये क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, ओके। ये क्या है इसका, ईपीजोम है, ओके, इसके पास नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ जो है मेल बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया के पास क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा जीन है, एक्स्ट्रा डीएनए है, जो क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है फीमेल बैक्टीरिया में। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1946 में, 1946 ईस्वी में साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट था, एक का नाम है लेडरबर्ग और दूसरे का नाम है टेटम। लेडरबर्ग और टेटम 1946 में एक बैक्टीरिया है इकोलाई बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में रिपोर्ट किया था किसको, बैक्टीरियल कंजुगेशन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कौन, वॉलमेन और जेकब, राइट। लेडरबर्ग एंड टेटम क्या किया था, इसको रिपोर्ट किया था 1946 में इकोलाई में बैक्टीरियल कंजुगेशन को, बट बैक्टीरियल कंजुगेशन ये होता कैसे, इसको एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, एक्सप्लेनेशन डिटेल दिया गया है 1966 में, किसके द्वारा दिया गया है, वॉलमेन नाम का साइंटिस्ट है, वॉलमेन एंड जेकब नाम का साइंटिस्ट है, इसके द्वारा क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है बैक्टीरियल कंजुगेशन को, जिसमें बताया जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किस चीज़ को, तो जो उसके पास एक्स्ट्रा जो जीनोम होता है, एक्स्ट्रा जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है, उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, ऑलराइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरीके से डोनर बैक्टीरिया कंजुगेशन का प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू फीमेल बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फर्टिलिटी फैक्टर या फिर ईपीजोम, ऑलराइट। तो चलते हैं देखते हैं, तो होता क्या है, जो डोनर बैक्टीरिया है, ओके, दैट इज ऑफ कोर्स जिसको हम कह रहे हैं एफ प्लस बैक्टीरिया, इसके पास अपना ये मेन जीनोम है और इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा जीनोम है, दैट इज फर्टिलिटी फैक्टर, इसके बाद ये है रेसिपिएंट बैक्टीरिया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया, ओके, इसके पास क्या है, सिर्फ अपना जीनोम है, इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। तो क्या करता है ये जो डोनर बैक्टीरिया है, ये सिक्स पिलाई के थ्रू जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके थ्रू क्या करता है, सिक्स पिलाई के थ्रू एक ब्रिज बनाता है, तो उस ब्रिज को हम लोग नाम देते हैं कंजुगेशन ब्रिज। इस ब्रिज का नाम क्या हो गया, कंजुगेशन ब्रिज, ये एक ट्यूब है, पाइप है, तो कंजुगेशन ब्रिज कहते हैं। तो ये हो गया F प्लस बैक्टीरिया, F प्लस बैक्टीरिया, और ये हो गया क्या, F माइनस बैक्टीरिया। तो F प्लस बैक्टीरिया क्या कर रहा है, F माइनस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है, इसके पास जो फर्टिलिटी फैक्टर है, तो फर्टिलिटी फैक्टर डबल स्ट्रैंड वाला, दो चेन वाला, एक चेन ये रहा और एक चेन ये रहा, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस होता है, उसके द्वारा यहाँ पे काटा जाता है, कट किया जाता है, और कट करने के बाद इसका जो एक स्ट्रैंड है, इसका एक स्ट्रैंड जो है वो क्या होता है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे बैक्टीरिया में, राइट। एक स्ट्रैंड, पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे बैक्टीरिया में, और एक स्ट्रैंड इसका अपना रह जाएगा, ठीक है ना, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब इसके पास भी क्या आ गया, एक स्ट्रैंड आ गया, अब एक स्ट्रैंड से ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये भी क्या कर लिया, दूसरा स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लिया। तो हुआ क्या, जब हम F प्लस बैक्टीरिया को F माइनस बैक्टीरिया से यहाँ पे कंजुगेशन हुआ, तो इसको हम करवाए, तो इसकी
बाद हमको क्या मिलना है, दो ठो एफ प्लस बैक्टीरिया मिलना है, मतलब एफ माइनस बैक्टीरिया, दैट मीन्स कि फीमेल के पास आ गया वो फर्टिलिटी फैक्टर, देन फीमेल बिकम्स मेल। अब फीमेल क्या हो गया, एफ माइनस जो था वो हो गया मेल में बदल गया। ओके, तो फर्स्ट केस में हम लोग देखें क्या था, तो F प्लस बैक्टीरिया को F माइनस बैक्टीरिया से जब क्रॉस करता है, कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू ये फर्टिलिटी फैक्टर को ट्रांसफ़र करता है, देन बोथ आर F प्लस बैक्टीरिया। अब ये जो F प्लस बैक्टीरिया है, ये जो F प्लस बैक्टीरिया, ओके ये समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, कंजुगेशन ब्रिज टूट जाता है, दोनों के बीच कंजुगेशन ब्रिज क्या होता है, टूट जाता है, देन दे आर सेपरेट बैक्टीरिया। अब ये भी एफ प्लस बैक्टीरिया हो गया। अगर ये बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा, नाउ अगर सपोज कर लीजिए ये बैक्टीरिया क्या करता है, आगे चल के बाइनरी फ्यूजन करता है, और ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का। अगर ये बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करता है तो ये दो तरह का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, एक एफ प्लस बैक्टीरिया और एक एफ माइनस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इसके पास क्या है, दोनों ही पेरेंट का क्या हो गया, गुण आ गया, मतलब एफ प्लस बैक्टीरिया इस पेरेंट का गुण है तो उसका यहाँ पे कैरेक्टर आएगा, और इसके पास क्या है, पहले से क्या था, एफ माइनस का था, तो एफ माइनस भी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, राइट। तो ये था एफ प्लस और एफ माइनस। अब एक और बात बता रहे हैं, सपोज एक दूसरा हम न्यू दो बैक्टीरिया ले रहे हैं, ये भी क्या है, ये क्या है, F प्लस है, और ये क्या है, F माइनस है, ये F माइनस बैक्टीरिया, और फिर दोनों क्या हो रहा है, सिक्स प्लाई के थ्रू क्या हो रहा है, एक दूसरे से एक ब्रिज बना रहा है, दैट ब्रिज इज कॉल्ड ऑफ कोर्स कंजुगेशन ब्रिज, फिर से बना रहा है यहाँ पे कंजुगेशन ब्रिज, ये दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हम जानते हैं एंडोन्यूक्लियस के थ्रू ये खुद को काटता है, और देन फिर क्या होता है, इसका जो जो ये एक स्ट्रैंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे में, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफ़र हो गया दूसरे में, अब यहाँ पे आने के बाद इसके पास यहाँ जो आ गया ये एक स्ट्रैंड, ठीक है, इस बैक्टीरिया का एक स्ट्रैंड आ गया इसके पास। अब यहाँ पे दो चांसेस बनता है, हो सकता है कि ये सेपरेट अलग रहे इसके साथ जुड़े ना, और हो सकता है ये इसके साथ जुड़ जाए, मतलब इनकॉर्पोरेट हो जाए। कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे क्या करता है, काटता है और देन फिर इसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रहा था, या तो वो अकेले रहता, अकेले रहता तो एफ प्लस बैक्टीरिया कहलाता, अगर अकेले नहीं रहा वो क्या हो गया, इसके मेन जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके साथ जुड़ गया। अब जब इसके साथ जुड़ गया तो कुछ कैरेक्टर इसका इसके मेन जीनोम में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है दे आर कॉल्ड HFR बैक्टीरिया, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं HFR बैक्टीरिया नाम देते हैं इस बैक्टीरिया को, जिसके पास क्या है, इसका फर्टिलिटी फैक्टर इसके मेन जीनोम में आ गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं HFR बैक्टीरिया, राइट। तो यहाँ समझ में आ गया F प्लस बैक्टीरिया कैसे बनाता है HFR बैक्टीरिया, है ना, या F प्लस बैक्टीरिया F माइनस बैक्टीरिया से कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू क्या करता है, फर्टिलिटी फैक्टर को ट्रांसफ़र करता है, अगर फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है, मेन जीनोम से अटैच हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया बन जाता है किस में, HFR बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक और केस हम लोग देखते हैं, होता क्या है, दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि सपोज कर लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके पास ये क्या है, अपना मेन जीनोम है, और मेन जीनोम में क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, राइट। तो इस ये क्या है, एपिजोम है, हाँ, और फिर ये रहा क्या, F नेगेटिव F माइनस बैक्टीरिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके एफ माइनस बैक्टीरिया। तो होता क्या है, कभी कभी जब HFR बैक्टीरिया, ये HFR बैक्टीरिया है, HFR बैक्टीरिया ये है, और ये क्या है, एफ माइनस बैक्टीरिया, ठीक है। तो HFR बैक्टीरिया जब इसको ट्रांसफ़र करना है अपना जीनोम एफ माइनस में, जब ट्रांसफ़र करना है, तो क्या होता है कि जब ये यहाँ पे पिनअप करता है, पिनअप मतलब एक
किस तरीके से यहाँ ये जो दोनों है इसको क्या करता है, यहाँ से निकालता है, निकालने से पहले उसको क्या करना, पिनअप करना, कैसे करता है थोड़ा बता रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ओके ये क्या है, उसका एक चेन है जिसमें क्या है, ये इसका एपिजोम वाला है, ठीक है, इसी का पिक्चर बना रहा है यहाँ पे, और इस तरीके का। तो जब इसको इसको निकालना है, यहाँ से इसको निकालना है, तो निकालना है तो क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे क्या करता है, इस तरीके से क्लीवेज बना के, देन फिर क्या होता है, यहाँ से ये अंत तक इससे क्या होता है, जुड़ता है, और इससे फिर ये अलग हो गया, अब ये अलग हो, तो यहाँ से इसी तरीके से ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से निकल जाता है। अब जब यहाँ से निकल गया, तो यहाँ से ये पार्ट सपोज कर लीजिए निकल गया, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आ गया, तो एक तो आ गया जो एपिजोम था जो इसके पास दूसरे से मिला था, और कुछ जो है अपना जो मेन जीनोम है वो भी इसके साथ हो लिया, ठीक है ना, और इसका ट्रांसफ़र होता है इस बैक्टीरिया में। तो इस बैक्टीरिया में जब इसको ये मिलता है, ये इसका एक स्ट्रैंड मिलता है इस बैक्टीरिया को, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, इसका एपिजोम भी मौजूद है और इसका मेन जीनोम भी मौजूद है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग एफ प्राइम बैक्टीरिया कहते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एफ प्राइम बैक्टीरिया। समझ में आ गया। तो एच एफ आर बैक्टीरिया जब एफ माइनस बैक्टीरिया से, जब क्या हो गया, एफ माइनस बैक्टीरिया से कंजुगेशन किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बन गया क्या, एक तो पहले तो एच एफ आर था, ठीक है, वो तो है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या बन गया, एफ प्राइम बैक्टीरिया बन गया। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी ये सक्सेसफुली इसी को ट्रांसफ़र करता है, तो उस कंडीशन में एफ प्लस बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में ये तीनों तीन पॉसिबिलिटी, एक तो एच एफ आर रह गया, उसके बाद एफ प्राइम रह गया, और क्या क्या हो गया, एफ प्लस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया। तो हम लोग क्या क्या बात कर दिया, लुक, तो हम लोग सबसे पहले कंजुगेशन में बात कर लिए कि एफ प्लस बैक्टीरिया जब इंटरैक्ट करता है, जब कंजुगेशन करता है एफ माइनस बैक्टीरिया से, तो बनता है एफ प्लस बैक्टीरिया और एफ प्लस बैक्टीरिया, ठीक। दूसरा हम लोग बात किए एफ प्लस बैक्टीरिया कभी कभी एफ माइनस बैक्टीरिया से इंटरैक्ट करता है, तो बनता है क्या, एच एफ आर बैक्टीरिया, हाई फ्रिक्वेंसी। ये हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन क्यों रहा है इसका नाम, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन इसलिए इसका नाम होता है बिकॉज इसका जो जो ट्रांसफ़र, जो इसके पास जो फर्टिलिटी फैक्टर है या फिर जो एपिजोम है, उसको जो ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, वो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। नहीं समझ में आया, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया है, और दोनों कनेक्ट हुआ कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू, ये मेन जीन, इसका मेन जीनोम, ये क्या है, इसके पास ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर इसके पास नहीं है, ये एफ माइनस, तो इसका इससे जाने का चांसेस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है चांसेस। लेकिन अगर वहीं पे, अगर यहाँ पे एपिजोम है, तो ये हो एपिजोम है, मतलब ये एच एफ आर है, और अगर एच एफ आर है तो इसका चांसेस जाने का बहुत ज़्यादा होता है, 90% से अबव चांस होता है कि ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन यही बात है, ये पूरा नहीं जाता है क्योंकि उससे पहले ही कंजुगेशन ब्रिज टूट जाता है, तो ये इसका कुछ ही पार्ट इसके पास पहुंच पाता है, पूरा पार्ट नहीं पहुंच पाता है, सो दैट ये जो है एफ प्राइम बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है ना। तो एच एफ आर क्यों नाम पड़ा है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसका चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि इसका चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ये दोनों एक दूसरे कनेक्ट हुआ तो ये दोनों का दोनों एफ प्लस बन ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बट इसमें क्या होता है, इसमें बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इस तरीके का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एच एफ आर अगर मान लीजिए एफ माइनस से, एफ माइनस से कंजुगेशन करता है, तो यहाँ पे बनता है क्या, तो एफ प्लस बैक्टीरिया बनने का चांसेस होता है और एफ प्राइम बनने का चांसेस होता है, ठीक है। तो यही चीज़ था क्या, बैक्टीरियल कंजुगेशन, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। थैंक यू।